तो मैं अभी हूँ थेकड़ी में और ये जगह फेमस है यहाँ के स्पाइस प्लांटेशन के लिए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इलायची के फार्म्स हैं, पूरे पूरे पहाड़ इलायची के हैं। उसके अलावा ये जगह फेमस है एलिफेंट सफारीज़ के लिए और ऑथेंटिक केरलन कुजीन के लिए। केरला का ट्रिप यहाँ के कुजीन के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। तो मुझे थेकड़ी में ही किसी ने बताया है कि एक टस्कर कैफ़े करके है, वहाँ पर आपको केले के पत्ते पर बहुत ज़बरदस्त केरला का ऑथेंटिक क्विजिन मिलेगा। सबसे पहले ये है केरला राइस, ये है बनाना चिप्स, ड्राइड बनाना, नॉर्मल बनाना, देन पापड़, किडनी बीन्स, बीटरूट, अवियल, तीन टाइप का चटनी है, पायसम है, यहाँ पर है रसम, सांबर, कड़ी, सब कुछ अच्छा है। बीटरूट भी कमाल है, सारी चटनियाँ अच्छी हैं। ऐसा ही खाना बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं केरला में, यहाँ आके मिला। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ साउथ इंडियन फूड की कि ये पेट टाइट नहीं करता है, इतना चावल खाने के बाद भी लाइट ही लगता है। ये किस चीज़ की चटनी है? रेड चिली। रेड चिली की बहुत अच्छी। थेकड़ी आने के बाद गूगल के ऊपर टस्कर कैफ़े डालेंगे, आप सीधे लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ऑलमोस्ट 2 ईयर ओल्ड एंड ग्राउंड फ्लोर इज 2 ईयर अपस्टेयर ऑलमोस्ट 1 month ओल्ड। It's just 2 years. Yeah, just 2 years now. And so much of rush. Everyone knows about here. Because of the taste of home, especially by mom and dad cooking. Kerala traditional, almost all Kerala traditional meals: appam, puttu, malabar parotta, all items, vegetable, Kerala style kurma, black chickpeas, Kerala style chenna masala. Kadala curry, it's called kadala curry. What's the best specialty here? Fish pulich, kele ke patte ke dum fish, and fish is from Periyar Lake. Wo kele ke patte ke andar special masala hai, steam fry karte hain. To jab main Kerala aa raha tha to ek image mere dimag mein thi aur wo image thi haathiyon ki image. Kangi ki hai iske, kangi kar rahe hain. Wow. तो मुझे यहाँ पर एलिफेंट राइड करनी है और हाथियों के साथ में नहाना है, क्योंकि मैंने कहीं पर देखा था कि हाथी आपको सूंड से नहलाते हैं और हाथियों के साथ वो नहाने वाला जो एक्सपीरियंस होता है बहुत कमाल का होता है। इन एक्टिविटीज़ के चार्जेस होते हैं करीब 500 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक। यहाँ पर जितनी भी दुकानें दिख रही है सारी की सारी मसालों की दुकानें हैं, जहाँ पर साबुन, मसाले, कॉफ़ी, बनाना चिप्स, यहाँ की एक और स्पेशल चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जगह सारा के सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए और मसालों के लिए फेमस है और मैं अभी एक मसाला शॉप पे ही हूँ। जिन लोगों को बाल झड़ने की दिक्कत है या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यहाँ पर एक कुछ ड्राइड हर्ब्स भी है जिसके अंदर आप कोकोनट ऑयल या कोई और ऑयल डाल के सर की मसाज करेंगे तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये मुझे बता सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप फ्लाइट से आए हैं तो भी ये डर नहीं है कि आप रास्ते में बॉटल फूट जाएगी या लीक हो जाएगी या कैसे लेकर जाएंगे, तो आप ऑयल लेकर नहीं जा रहे, हर्ब्स लेकर जा रहे हैं। और इस टाइप की यहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी छोटी काफ़ी साइज़ की बॉटल्स आती है जिनके अंदर अलग अलग तरह के हर्ब्स हैं। अगर आप केरला का कोई भी सोवेनियर ख़रीदेंगे ना तो ज़्यादातर 2 इमेजेस उनके ऊपर मिलेंगी, उनमें से पहली इमेज है कथकली आर्टिस्ट की और दूसरी इमेज है बैकवाटर्स की। यहाँ से थेकड़ी से मेरा आगे का सफ़र एलएपी के लिए है
और बैकवाटर्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर एक बात तो है कि केरला की रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी है, चाहे रास्ते छोटे हो, सिंगल लेन्स हो, पर गड्ढे कहीं नहीं है। मैंने देखा कोची से मुन्नार का रास्ता सारा ही अच्छा था, मुन्नार से थेकड़ी का रास्ता बहुत सुंदर था, जहाँ पर दोनों तरफ बहुत सारे इलायची के फार्म्स थे, और अब थेकड़ी से एलेपी का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत सीनिक है। यहाँ पर एक तरफ बैकवाटर की कैनाल्स है और दूसरी तरफ है चावल के खेतों की हरियाली, और बीच में से गुजर रहा था मैं। एलएपी का नाम कुछ ही सालों पहले चेंज हुआ है। ऑफिशियली इस जगह का नाम पेपर्स में हुआ है आलापुजा, और यहाँ के लोग यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं आलापुड़ा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये तीनों नाम एक ही जगह के हैं। तो थेकड़ी से करीब 140 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं पहुँचा हूँ एलएपी। ये जगह फेमस है यहाँ के बैकवाटर्स के लिए, हाउस बोट्स के लिए, शिकारा के लिए, चर्चेस के लिए, बहुत खूबसूरत मंदिरों के लिए। यहाँ पर फैले हुए कैनाल्स के नेटवर्क की वजह से इस जगह को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मैं वेनिस गया हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि कई मायनों में ये जगह वेनिस से भी बेहतर है। यहाँ पर बैकवाटर्स तो खूबसूरत है ही, पर इस जगह की अपनी एक ऑथेंटिसिटी है, एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है। और इसके अलावा ये जगह बिल्कुल लश ग्रीन होने की वजह से सुख देती है। गाजर का हलवा है, ये वीट एंड कोकोनट है, ये पाइनएप्पल मैंगो है, ये ऑरेंज वाला है, ये मोहब्बत का हलवा है, ये पाइनएप्पल कैशू है, ये पिस्ता है, और जैकफ्रूट का हलवा है। आप टेस्ट कौन कौन सा कराओगे? अभी आपका कौन सा पसंद है? पूरा आइटम टेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छा आइटम दिएगा हमारा ये मोहब्बत का हलवा है। ये मोहब्बत के हलवे में क्या होता है? इसमें ऐसे है ना, घी में बनाते हैं, बनाना और कॉर्नफ्लोर पाउडर एंड वीट पाउडर सबके डाल के वीट बनाते हैं, इसलिए मोहब्बत का हलवा नाम है। वाह, वो देखो पीछे मोहब्बत से खा रहे हैं मोहब्बत का हलवा। ये ना पाइनएप्पल मैंगो है, ये असली वाला मैंगो एंड पाइनएप्पल मिक्स करने के लिए बनाते हैं ये वाला। और हम लोग का स्पेशल आइटम है वीट एंड कोकोनट है, ये वीट में बनाते हैं एंड कोकोनट है, ये वाला ऑरेंज है। अरे बाप रे, इतना सारा तो टेस्ट नहीं होएगा, ये थोड़ा सा कम दे दो। तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप खा के देखो है ना। अरे खाने के लिए इतना सारा, बाजू में मालिक खड़े हैं, वो छोटा पीस खाएगा कैसे टेस्ट मालूम पड़ा था। बाजू में आपके मालिक भी डर जाएंगे, ऐसा ही खिला रहे। मालिक का प्रॉब्लम नहीं, अंजीर का हलवा है। अरे बाप रे, इतना इतना टेस्ट, अंजीर का हलवा है। मालिक नहीं डर रहे, हम ही डर रहे मालिक को देख के। केरला का आदमी का सिस्टम ऐसा है, पूरा आइटम खाने के लिए देगा पहले, कौन सा पसंद है वो आइटम लेने के लिए बोला। इससे भी छोटा दो, ये तो खा के थक गया मैं। छोटा यही है। हाँ यारे वाह, अपनी दुकान का नाम क्या है? आइटम नहीं दिया, स्ट्रॉबेरी का हलवा, सदर्न चिप्स। सदर्न चिप्स, ये जगह है पुन्नमाड़ा लेक के फिनिशिंग पॉइंट के पास में, और पहली शॉप है नियर रामाडा होटल। नियर रामाडा होटल, यही है ना स्ट्रॉबेरी का हलवा है। उधर जाएगा तो शुगर आप पक्का हो जाएगा। हो गया हो गया। इधर ही निकाल के
हाँ इधर इधर हम लोग का खुद बनाते हैं। कलर भी देखो ना, रोस्टेड वाला आइटम है, येलो शेड आएगा रोस्टेड वाला है। मेरा कितना पैसा हो गया वो तो बता दो। बिल आज फ्री है मेरा। नहीं 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 फ्री नहीं है, मैं फ्री लेगा तो मेरा सब्सक्राइबर मारेगा मेरे को। बोलेगा क्या दुकान में जाके लूट के साथ में दिया इसलिए। नहीं 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 थोड़ा 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 कम ले लीजिए, डिस्काउंटेड ले लीजिए। याद करना, फोन करना पक्का। मैं हाई करके रखेगा, कभी बात करेगा। ओके ओके थैंक यू। आप तो वेरी बिजी है फिर भी मेरा फोन कॉल अटेंड कर। चलो ओके बाय बाय बाय। तो जगह अच्छी है, लोग उससे भी अच्छे हैं, और अब वो एक्सपीरियंस जिसके लिए लोग केरला आते हैं। आप अपने केरला के ट्रिप में कहीं भी पैसा बचा लीजिएगा, पर एलएपी में हाउस बोट के इस एक्सपीरियंस को मिस मत कीजिएगा। ये हाउस बोट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, पर ये ट्रिप वर्थ होता है। मैं 24 घंटे के लिए अब एक हाउस बोट में रहने वाला हूँ। बहुत कमाल की हाउस बोट है, और ये रूम देखिए, ये रूम है विद डबल बेड, खिड़की है बड़ी जिसके अंदर से पूरा लेक नज़र आता रहेगा, बैक वाटर्स नज़र आता रहेगा। क्या रेट्स है, क्या क्या इंक्लूसिव है, हाउस बोट कहाँ कहाँ पर घुमाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देने वाला हूँ। मुझे मेरे इस ट्रिप में ज्वाइन करने वाले हैं मेरे इन-लॉज भी, तो ट्रिप में तो मज़ा आने वाला है। ये छोटा सा गांव, ग्राम पंचायत है, इधर से थोड़ा दूर में एक मंदिर है देवी का, फिर इधर ही घूमने के लिए जगह सकता है। पूरा घूमने का गांव है, छोटा छोटा गांव है, फिर पूरे रहने वाले हैं।